बॉलीवुड की कई हिट फिल्में देने वाले मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने फिल्म शादी के डायरेक्टर करण और जौहर के मेकर्स के खिलाफ याचिका दायर की है और फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए कोर्ट में शिकायत भी की है। करण जौहर ने फिल्म के टाइटल पर जताई आपत्ति है। करण जौहर ने फिल्म के निर्माता इंडिया प्राइड एडवाइजरी और संजय सिंह और फिल्म के निर्देशक और राइटर बबलू सिंह के खिलाफ फिल्म के टाइटल में उनके नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति दर्ज कराई है। करण जौहर ने इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग की है। करण जौहर के मुकदमे पर सुनवाई होनी बाकी है। फिल्म पर तुरंत रोक लगाने की मांग के साथ बुधवार को जस्टिस आर आई चागला की बेंच के सामने मुकदमा पेश किया है। कोर्ट ने कहा कि आज यानी गुरुवार को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। करण जौहर ने कहा है कि फिल्म और फिल्म मेकर से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने फिल्म मेकर्स पर उनके नाम का अवैध रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि फिल्म में सीधे तौर पर उनके नाम का रेफरेंस दिया गया है, जो उनके व्यक्तित्व अधिकारों, पब्लिसिटी और प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में करण जौहर ने कहा कि उनके ब्रांड नेम का गलत तरीके से यूज करके प्रोड्यूसर्स उनकी गुडविल और प्रतिष्ठा का बिना इजाजत लिए फायदा उठा रहे हैं। करण जौहर ने यह भी कहा है कि अनधिकृत तरीके से उनके नाम के उपयोग से उनकी इमेज को दराब भी कर रहे हैं। यह फिल्म 14 जून को रिलीज होनी है। अभी मामला कोर्ट में है। जैसे ही इस बारे में कोई अपडेट आता है, हम आपको जरूर बताएंगे।